वो होता क्या है, जब कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं एंड तुम कुछ एक्टिविटी करते हैं या कमेंट पास करते हैं, वो फन है वो उस टाइम पे, बट होता क्या है कि वी आर इन्वॉल्व इन टू द कॉन्सेप्ट ना, और दिमाग में है ना वो सबकॉन्शियस माइंड में है ना बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसेस चालू है, ये बोलने के बाद वो बोलना है, वो बोलने के बाद ये बोलना है, कॉन्सेप्ट को कैसे लिंक करना है, वो कौन से टॉपिक में फिर ये एग्जाम्पल से कनेक्ट करना है, एंड सडनली समथिंग हैपेंस ना, वी आर स्नैप्ड आउट ऑफ दैट कॉन्सेप्ट, वहां से बाहर निकल गए। उसमें कोई लड़की बाहर गई, हाँ सब लड़के देखेंगे बाहर तक, मतलब उनकी आंखें बाहर तक छोड़ के आएगी उनको, और वो आई तो वापस बिठाएंगे भी ऐसा किया मतलब अन वो लड़की भी क्या है, आंखें चुपचाप फर्स्ट बेंच बने बैठेंगे, ऊपर रैंप वॉक करेगी और रैंप वॉक करते करते पीछे जाएगा, अरे मेरी माँ बैठ ना बाजू में, मैं ब्रेक होगा तब बैठ जाना जहां जाना है, वो पूरा रैंप वॉक करते करते ऐसा ऐसा करते करते, एंड शी नोज दैट एवरीबॉडी इज वॉचिंग हर, वो पूरा फुटेज खाएगी, उसको पता है, उसको कोई देख रहा है और वो चाहती भी है कि देखे लोग, और जब वो आती है पूरा अपना मार्केट वैल्यू जीरो, एनीवेज चलो यस, तो यू कंटिन्यू विद द लेक्चर। वैसे यू आर वेरी स्वीट, ऐसे नहीं कि हम लोग ये है कि वी ऑलवेज टॉक द पॉजिटिव साइड्स आल्सो, ऐसा नहीं है कि ये करके, बट मैंने जैसे कहा था सर ये सबसे शैतान बैच है, बट अभी तक की जितने भी बैचेस अपन ने लेना सबसे शैतान बैच है, बट अब तुमसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी तुम्ही से ज्यादा है, कि जो ऐसे सुनने में आता है कि देखो लास्ट बेंचेस और फर्स्ट बेंचेस होते हैं, ये क्लास में डिफरेंस ही पता नहीं चलता, मतलब होते हैं बैक बेंचेस होते जो मस्ती करते हैं, फर्स्ट बेंचेस होते जो सीरियसली सुनते हैं, यहाँ तो सब एक ही कहानी है, फर्स्ट बेंचर भी मस्ती करता लास्ट बेंचर भी मस्ती करता, सब एक ही है। तो भाई अभी तुमसे उम्मीदें बहुत ज्यादा है ना, कि जो तुम्हारा एग्जाम होगा उसमें तुम बहुत अच्छे से पढ़ो, है ना, मेक अस प्राउड, है ना, एंड मेक योरसेल्फ आल्सो प्राउड, राइट, चलो।